न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। राज्यपाल आनंदी बेन और सीएम योगी ने गोरखपुर में MMUT के दीक्षांत समारोह में छात्रों को किया सम्मानित। सीएम ने कहा, तकनीक के बिना आज के युग में सफलता नहीं है संभव। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने में तकनीकी ने निभाई है बहुत अहम भूमिका। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इन्फोसिस के सह संस्थापक को DSC की मानद उपाधि से किया गया विभूषित। इन्फोसिस के मेंटर नारायण मूर्ति ने कहा, कैसा चाहते हैं भारत खुद तय करें युवा। राज्यपाल और सीएम ने स्कूली बच्चों को बांटा फल और कहानियों की किताबें। राज्यपाल आनंदी बेन ने कहा, विश्वविद्यालय 5 कॉलेज 1-1 गोद ले गांव। प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदी पटेल ने किया सरस्वती बालिका विद्यालय सूरजकुंड के भागिनी निवेदिता छात्रा निलयम छात्रावास का लोकार्पण। आचार्य बैठक में शिक्षिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दी नसीहत। कहा, गुरु शिष्य परंपरा के छात्राओं के भविष्य को बनावे उज्जवल। राज्यपाल व सीएम ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की विभिन्न निर्माण योजनाओं का किया शिलान्यास। राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा गुरु गोरखनाथ के किए दर्शन। महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। फोन पे ऐप हैक करके 4 लाख रुपए निकालने वाला शातिर युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे। CO क्राइम ने खुलासा कर दी जानकारी। बदमाशों ने खुद को पुलिस बताकर सरेआम एक महिला के गहने की टप्पेबाजी की घटना को दिया अंजाम। 15 दिनों के अंदर कैंट थाना क्षेत्र में इस तरह टप्पेबाजी की हुई है दूसरी वारदात। और शिक्षाविद शायर व कवि TN श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी की 20वीं हिंदी गजल संग्रह वफा किया है वफा करेंगे का हुआ विमोचन।